Standard 10, Subject Maths, Chapter 6, Triangles. Exercise 6.1. First, fill in the blanks using the correct word given in brackets. First, all circles are blank. अब congruent का मतलब क्या होता है कि दो diagram है तो उनका मतलब उनका जो shape है वो भी same है and उसका जो measurement है वो भी same है. ठीक. तो ये सब figures हैं ना, ये similar figures हैं. क्योंकि इनका शेप सेम है. अगर शेप सेम हो तो उसको सिमिलर कहते हैं. और कॉन्ग्रुएंट जब कहते हैं जब उसके साइड्स की जो लेंथ है वो भी सेम हो तो उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं. तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. तो ये सब फिगर्स है ना सिमिलर फिगर्स है. ठीक. उसका डेफिनेशन भी बता देता हूँ. अगर दो पॉलीगन सिमिलर है इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. ठीक. अगर सेम रेशियो हो तो वो सिमिलर है. अगर दोनों का शेप और लेंथ वो सब सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट है. ठीक. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि ऑल सर्कल्स आर ब्लैंक. ठीक. तो ऑल सर्कल्स यानी कि उसमें हर एक सर्कल आ गया जिनकी रेडियस बहुत कम है और जिनकी रेडियस सब ज़्यादा है. ठीक है. तो ये सर्कल भी आ गया है. तो ये सब सर्कल सिमिलर है क्योंकि उनका शेप सिमिलर है. ठीक है. तो इसका आंसर आएगा सिमिलर. ठीक है. लेकिन उसकी साइड है वो सेम नहीं है. सेकंड है ऑल स्क्वायर्स आर ब्लैंक. तो स्क्वायर्स में भी ऐसा ही है. ठीक है. उसकी साइड क्या है स्क्वायर्स की चारों साइड की वैल्यू सेम होती है. ठीक है. लेकिन अब हम देखें तो ऑल स्क्वायर्स यानी कि उसकी हर एक लेंथ के स्क्वायर आ गए. ठीक. तो ये सब स्क्वायर का क्या है शेप सेम होगा लेकिन उनकी साइड की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी. ठीक. तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर. थर्ड ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर आइसोस्केल्स एंड इक्विलेटरल. आइसोस्केल ट्राइंगल यानी कि जिसकी दो साइड्स इक्वल हो. ठीक है. तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल है क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल है. ठीक है. तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल है ये भी आइसोस्केल ट्रायंगल है. ठीक. अब यहाँ पे देखें तो सबका शेप डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है. ठीक. ये सब आइसोस्केल ट्रायंगल है. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है जिसकी हर एक साइड सेम होती है वैल्यू. ठीक है. तो उसके जो एंगल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं 60 डिग्री है. ठीक. तो तीनों साइड्स इक्वल. तो इसमें क्या होता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका शेप भी सेम रहता है. आइसोस्केल ट्रायंगल का शेप डिफरेंट हो जाता है. ठीक है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो सिमिलर है. ठीक है. एंड आइसोस्केल ट्रायंगल है वो सिमिलर नहीं है. तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. उसके बाद फोर्थ है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर. तो इसका टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है. तो एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर इन द सेम रेशियो यानी कि प्रपोजल. तो एंगल्स आर इक्वल एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रपोजल. उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन टू गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स. तो सिमिलर फिगर्स तो यहाँ पे ही दिया हुआ है. एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके बाद है सर्कल्स. तो यहाँ पे दे कि टू सर्कल्स टू इक्विलेटरल ट्रायंगल. उसके बाद है नॉन सिमिलर फिगर. तो उसके लिए हम कैसे ले सकते हैं एक सर्कल एंड एक स्क्वायर एक ट्रायंगल एंड एक क्वाड्रिलेटर. ठीक है. तो नॉन सिमिलर फिगर में दो पैनल देना है. तो फर्स्ट अ सर्कल एंड स्क्वायर. सेकंड हम देते हैं ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटर. ठीक. उसके बाद है क्वेश्चन थ्री स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट. ठीक. तो सिमिलर होना तो उसका शेप सेम होना बहुत जरूरी है. अब यहाँ पे कैसा होगा कि इसकी जो साइड्स है ना वो प्रपोजल में है. ठीक है. इसकी चार साइड है इसकी चार साइड है.
थ्री डिवाइड बाई पॉइंट 1.5, ठीक है। तो जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, लेकिन यहाँ पे ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के हर एक एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब ये क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, तो इसकी हर एक साइड सेम है, लेकिन ये जो एंगल है ना वो 90 डिग्री नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा नॉट सिमिलर।